सेवा जोहार 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 खड़ा बीन जंगम मीडिया। आप सभी को लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार सेवा जोहार। आइए दोस्तों, आज हम हमारी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में बात करेंगे एक विशेष वनस्पति एक विशेष जड़ी बूटी के बारे में। तो चलिए, आज मैं हर जड़ी बूटी में आप लोगों को एक अलग अलग जड़ी बूटी को बताता हूँ। हमारी जो अनुभव है, हमारी जो नॉलेज है, उसको आपके साथ मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी को पहला रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे लिंगो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। जो भी भाई को कन्फ्यूजन है, जो भी भाई को डाउट है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। आप कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े आप फोन में बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे केवटी बेला के बारे में। अधिकतर लोग क्षेत्रीय भाषा में केवटी बोलते हैं। ये देखिए, ये फला है, अभी फला है, ये जो केवटी का बेला है, ये इसका देखिए, इसका ये पत्तियाँ, ये बेला होता है, लाल लाल कलर का बेला होता है, मोटा, इतना मोटा का बेला होता है, बड़े बड़े पेड़ में चढ़ा रहता है, आप जंगलों में देखेंगे, ये केवटी है। तो सर्वप्रथम मैं तो आपको केवटी का बेला का ये पता देना चाहता हूँ, उसकी छाल का उपयोग। सर्वप्रथम केवटी का बेला का साल का उपयोग साइटिका, थायराइड, या फिर वो पैरालाइसिस जो बीमारी होती है, जो अपंगत्व का बीमारी होता है, लकवा वगैरह का भी होता है, उस बीमारी में इसके छाल का उपयोग करते हैं। तो इस छाल को आप ला लीजिए, और लाने के बाद पीस के आप गुड़ के साथ, पुराना गुड़ के साथ नित प्रतिदिन थायराइड के पेशेंट को, या फिर पैरालाइसिस पेशेंट को, लकवा के पेशेंट को, उसको पिलाइए, तो उसके अंगों में जो हरकत, अपंग हो जाना, एक अंग में सुन्न हो जाना, ये सब चीज़ होता है, तो इसका छाल का उपयोग इसको खिलाने से होता है। दूसरी बात, इसका जो ये जो फल है, फल इसका जो बीज का तेल निकालते हैं, कई लोग जानते हैं तेल जो निकालते हैं, ये छोटा छोटा, ये देखिए इस प्रकार से इसका ये हल्का सा बीज होता है, अंदर में छोटा छोटा बीज होता है, ये तो इसका बीज खाने में भी, इसका जो बीज का तेल निकलता है, क्या निकलता है, तेल ही होता है, तेल निकलता है, और इसका तेल का उपयोग खाने के लिए भी करते हैं, और खाने में जो लकवा पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, पैरालाइसिस वाले का जो पेशेंट है, उसको इसका तेल को खिलाइए, आप तेल में ही इसको खिलाइए, तेल में मालिश कीजिए, वो परेशानी बिल्कुल दूर होगा। अगर कोई पेशेंट का कोई आदमी का बाल भी झड़ रहा है, तो इसका तेल का सेवन करवाइए, बाल का झड़ना मना हो जाएगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगी। थायरालाइसिस जो लकवा वगैरह का पेशेंट है, इसके छाल का वो खिलाइए, ये इसका छाल का उपयोग लकवा में, पैरालाइसिस, थायराइड में भी उपयोग किया जाता है। और एक और जो शरीर में अपच हो रहा है, पाचन तंत्र नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है, पच नहीं रहा है, पेट का सिस्टम जो डाइजेस्टिंग सिस्टम जो बिगड़ रहा है, तो उसके लिए इसका जिस प्रकार से पुराना गुड़ में इसकी छाल को या फिर जड़ को आप ला लीजिए, धो के सुखा के चूर्ण बना के पुराना गुड़ में गोली बना लीजिए, और 5-5 ग्राम साइज का गोली आप नित कंटिन्यू खाना खाने के बाद कीजिए, आपको उसका भी सिस्टम, पाचन तंत्र अपच, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। इस प्रकार से इस देखिए एक बेला जो हमारे अधिकतर जंगलों में पाया जाता है, ये केवटी का बेला, इसका उपयोग हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में इस प्रकार से बीमारियों में किया जाता है। और जो भाई इसके उपयोग और अन्य बीमारी में करते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर सुझाव दें, और आपका सुझाव का हमको इंतजार है, आपका कमेंट का हमको इंतजार है। फिलहाल इतना ही, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। नया वीडियो में और नया जड़ी बूटी विद्या के वनस्पति के साथ हम मिलते हैं। फिलहाल आपको सेवा जोहार।